हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बनाएंगे। अभी तक हम इकोनॉमिक्स के 28 लेसन प्लान बना चुकी हूँ। उसी सीरीज़ में ये अगला लेसन प्लान है, यानी पाठ्य योजना क्रमांक 29। प्रीवियस वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोल कर भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको क्रमांक डालना है, जैसे मैंने डाला है। उसके बाद आप ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाएंगे, जिसमें आपको अपना इंट्रो लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, समय, कालांश या कालखंड, विषय, प्रकरण, ये सब आपको डालना है। छात्र अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका नाम का नाम। विद्यालय के नाम में आपको उस विद्यालय का नाम डालना है जहाँ आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है आपको आपके विद्यालय में ही प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। महाविद्यालय में, यानी कि आपके जो कॉलेज है उसमें भी आपको ऐसा अरेंजमेंट करा सकते हैं कि आपको यहीं पे आपकी प्रैक्टिस टीचिंग होगी, तो आप उसका नाम लिखें। कक्षा हमारी 11 का प्रकरण है, विषय अर्थशास्त्र, दिनांक जब भी प्रेजेंट करें आप, समय 40 मिनट, कालखंड जो भी कालखंड में आप पढ़ाएं, प्रकरण है हमारा रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, हमारा पहला पॉइंट इसमें सामान्य उद्देश्य होता है। तो हमने यह पूर्वानुसार लिखा है क्योंकि अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाने के हमारे सभी पाठ्य योजना के उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है पूर्वानुसार। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो से देख कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञानात्मक प्राय उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थियों को रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत का ज्ञान प्रदान कराना पहला उद्देश्य हो गया हमारा। दूसरा है अपबोधात्मक उद्देश्य, इसमें विद्यार्थियों को रिकॉर्ड में के लगान सिद्धांत की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों को हम रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत के विषय में पूर्व कथन देने योग्य बनाना। अगला है अभिरुचि उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों को रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत संबंधी चार्ट प्रदर्शन करने योग्य बनाना। अगला है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें विद्यार्थियों को राष्ट्र के आर्थिक विकास में रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत के योगदान के महत्व को समझने योग्य बनाना। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों को रिकॉर्ड में के लगान सिद्धांत के तथ्यों के संकलन करने योग्य बनाना। ये हो गए विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे। जो भी हमारा टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड हमको यहाँ पे लिखना होता है, तो हमने अपने टॉपिक से ही रिलेटेड विशिष्ट उद्देश्य लिखा है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट सहायक सामग्री, यानी कि हम जो भी आवश्यकता के तौर पर, सहायता के तौर पर पाठ को रोचक बनाने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री, लगान संबंधी तालिकाएँ, रेखाचित्र, लपेट चैंपट, संकेतक आदि हम सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। फिर है शिक्षण विधि और प्रविधि, यानी हम जो भी शिक्षण विधि और प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ व्याख्यान विधि, प्रदर्शन प्रविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे। आप इनको ऑप्शनल भी रख सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि हम बाद में लेसन प्लान के दौरान पे भी जहाँ जोन सी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं वो डालेंगे। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपको पता होना चाहिए आपका विद्यार्थियों का, उसी के हिसाब से आप उनको नवीन ज्ञान से कनेक्ट कर पाएंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछ पाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपके पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी लगान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उनको टैक्स के बारे में नॉलेज है। फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तावना, जिसमें आप प्रश्न क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार या क्रिया, विद्यार्थी व्यवहार या क्रिया, ये तीन कॉलम बनाइए, यानी आपको तीन कॉलम बनाने हैं। आप क्रमांक डालेंगे, उसके बाद प्रश्न, आप प्रश्न बच्चों से करेंगे कि कृषि कार्य कौन करता है, तो बच्चे बताएंगे किसान। किसान कृषि कार्य कहाँ करता है, तो भूमि पर करता है, बच्चे आंसर देंगे। भूमि कितने प्रकार की होती है, तो भूमि दो प्रकार की होती है, बच्चे बताएंगे आपको। फिर आप उनसे पूछेंगे कि रिकॉर्डों के अनुसार लगान का क्या सिद्धांत है, तो ये अब उनको नहीं पता है, और हम भूमि के ही रिकॉर्ड के बारे में उनको पढ़ा रहे हैं। तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तब हम उनसे उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि बच्चों आज हम रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट जो कि है प्रस्तुतिकरण, वो आ जाता है। आप उसमें कॉलम बनाएंगे क्रमांक और शिक्षण बिंदु का, आप चाहें तो अलग अलग कॉलम भी बना सकते हैं क्रमांक और शिक्षण बिंदु का, चाहें तो एक भी बना सकते हैं। फिर है छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार या क्रिया,
शिक्षण विधि प्रविधि, और इसी में हमने सहायक सामग्री भी ऑप्शन ऐड कर लिया है, यानी कि हम जो भी सहायता के तौर पर इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और श्यामपट कार्य, पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है लगान का अर्थ। हम लगान के अर्थ के बारे में बच्चों को बताएंगे, तो पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे जो हम छात्राध्यापी का व्यवहार में लिखेंगे। बच्चों के आंसर विद्यार्थी व्यवहार में, विधि में हम विधि डालेंगे, तो यहाँ पे हमारी प्रविधि यूज होगी। सबसे पहले प्रश्नोत्तर, यहाँ बच्चों से पूछेंगे कि भूमि के प्रयोग के बदले में भूमि पति को क्या प्राप्त होता है, तो लगान प्राप्त होता है। रिकॉर्डों के अनुसार लगान का क्या अर्थ है, तो बच्चों को नहीं पता है, यही तो हमको उन्हें पढ़ाना है, तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम छात्राध्यापिका व्यवहार द्वारा या कथन द्वारा उनको बताएंगे कि प्रोफेसर डेविड रिकॉर्डो ने पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने लगान सिद्धांत की विधिवत व्याख्या की। रिकॉर्डों के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि के स्वामी को भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये उन्होंने कहा, ये डेफिनेशन आप जो हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है यहाँ पे, आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दें जिसमें कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप इस सारी थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यह सिद्धांत भूमि पर क्रमांगत उत्पत्ति हास्य नियम के रूप में लागू होता है। रिकॉर्डों के अनुसार लगान एक भेदात्मक बचत है क्योंकि भूमि के विभिन्न विभागों की उर्वरा शक्ति स्थिति में अंतर पाया जाता है। उनका कहना था कि लगान वह अतिरेक है जो श्रेष्ठ भूमि को घटिया भूमि के ऊपर प्राप्त होता है। ये उन्होंने अपने उसमें एक्सप्लेन किया। आपको बच्चों को पहले बहुत अच्छे से खुद समझना है, फिर इसके शॉर्ट थ्योरी तैयार करनी है और बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि वो उनके आप उनको इससे शब्दों में बताएं कि वो जल्दी से समझ जाएं। फिर बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे हम कि लगान सिद्धांत की विधिवत व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो प्रोफेसर डेविड रिकॉर्डो ने की थी। आप ये आंसर ब्लैकबोर्ड पर भी लिख सकते हैं जिसमें जिन बच्चों को आंसर नहीं आ रहा उन्हें आ जाए। और यहाँ पे हमारा जो प्रविधि इस्तेमाल हुई है वो है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर उसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे कि रिकॉर्डों के अनुसार लगान क्या है, तो बच्चे आंसर देंगे वो आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है और श्यामपट पर भी लिखना है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, तो विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि रिकॉर्डों के अनुसार लगान उत्पादन के मात्र एक किस साधन को मिलता है, तो भूमि को मिलता है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हुई। विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उन्हें छात्राध्यापिका कथन द्वारा एक्सप्लेन करेंगे कि जब कोई नया उपनिवेश बसता है तो पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध होती है और जनसंख्या बहुत कम होती है, ऐसी दशा में लोग सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। हम ये पूरी थ्योरी उनको एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि का हम इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी क्रियाएँ होती हैं। हम प्रदर्शन विधि का भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ चार्ट लगाया हुआ है, आप इसको एक कार्डशीट पर बनाकर प्रारूप इसमें लगाएं और कक्षा के लिए भी बनाकर ले जाएं, बच्चों को एक्सप्लेन करें इसे दिखाकर। फिर आप बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे कि पर्याप्त मात्रा में भूमि कब उपलब्ध होती है, तो बच्चे बताएंगे जब कोई नया उपनिवेश बसता है, और आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन करेंगे। निम्न उत्पादकता वाली भूमि पर कृषि कब होती है, जनसंख्या में वृद्धि होने पर की जाती है। फिर प्रोफेसर रिकॉर्डो के अनुसार कैसी भूमि पर लगान प्राप्त होता है, तो अधिक उपजाऊ भूमि पर लगान प्राप्त होता है। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमारा गहन खेती के अंतर्गत लगान, विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम, प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल होगा। हम पहला प्रश्न करेंगे कि प्रत्येक देश जनसंख्या में वृद्धि के साथ कैसी भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य होती है, तो कम उपजाऊ भूमि के लिए। गहन खेती के अंतर्गत लगान का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, यानी बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तब हम उन्हें छात्राध्यापिका कथन द्वारा समझाएंगे कि जब जनसंख्या वृद्धि की दशा में अतिरिक्त खाद्यान्न की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो इस दशा में उपलब्ध सीमित भूमि भाग पर ही श्रम या पूंजी के अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जाते हैं, इसे हैं गहन खेती कहकर पुकारा जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्या विधि का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हमने जैसा मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे हम फिर उन्हें
गहन खेती का चार्ट दिखाएंगे, लगान का प्रदर्शन विधि हमारी यहाँ इस्तेमाल होगी। हम इस तरीके से चार्ट बनाकर ले जाना है आपको, और कॉपी में भी लगाना है, बच्चों को एक्सप्लेन करना है कार्ड को दिखाकर। फिर बौद्ध प्रश्न करेंगे आप, इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से भी समझाएंगे। ग्राफ को आप एक्स वाई, ये वाई अंश है, ये एक्स अंश है, आप उसको पूरा लगान का ये ग्राफ दिखाएंगे कि किस तरीके से लगान लिया जाता है। निम्न भूमि को लगान कम मिलता है, फिर अच्छी भूमि को और अधिक मिलता है, इस तरीके से ग्राफ द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न करेंगे कि उपलब्ध सीमित भूभाग पर किसका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है, तो श्रम व पूंजी के अतिरिक्त इकाइयों का। अगला प्रश्न हम करेंगे बच्चों से कि गहन खेती के लगान निर्धारण में कौन सा नियम लागू होता है, तो उत्पत्ति हास्य नियम लागू होता है। अगला है गहन खेती के अंतर्गत कैसा लगान कैसे प्राप्त होता है, तो जब श्रम तथा पूंजी की अतिरिक्त इकाइयां श्रेष्ठ भूमि की भांति आधिक्य प्रदान करती हैं तो वह लगान होता है। आप ये सारी थ्योरी उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें, और क्योंकि आपके पास पाठ नहीं होता है जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सारी थ्योरी को आप समझें, सरल शब्दों में करें। इकोनॉमिक्स की शब्दावली थोड़ी टफ होती है, तो आपको उसको थोड़े सरल शब्दों में बच्चों के लिए उपलब्ध कराना है, ये आपका कार्य है। इसी से आपका पर्यवेक्षक आपको जज करेंगे। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। आप मूल्यांकन प्रश्नों को लपेट श्यामपट पर भी लिख कर ले जा सकते हैं, और गृह कार्य को भी लपेट श्यामपट पर लिख कर ले जा सकते हैं। यहाँ पे आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि प्रोफेसर रिकॉर्डों के अनुसार लगान का क्या अर्थ है, गहन खेती में लगान का निर्धारण किस नियम पर लागू होता है, रिक्त स्थान भरिए। अगला प्रश्न देंगे आप, लगान एक खालिस्तान बचत है। अगला प्रश्न आप देंगे, सही विकल्प चुनिए कि लगान की सर्वप्रथम स्पष्ट एवं संतोषजनक व्याख्या किसने की थी, तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे देंगे आप बच्चों को, जिसको वो आपको आंसर बताएंगे। तो ये हो गए आपके मूल्यांकन प्रश्न। आप जो आपने बोधात्मक प्रश्न किए वो भी आप मूल्यांकन प्रश्न में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो बोधात्मक प्रश्न किए हुए हैं आपने पहले वो आप मूल्यांकन प्रश्न में नहीं पूछ सकते। फिर आता है गृहकार, जो भी आप उन्हें होमवर्क देंगे वो आपको यहाँ लिखना है, तो रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत के विषय में विस्तार से लिखिए, ये आप उन्हें गृहकार देंगे। उसके बाद आता है टिप्पणी का कॉलम, आप इसको पर्यवेक्षक की टिप्पणी व सुझाव भी हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी पर्यवेक्षक होगा आपको सुझाव देगा, टिप्पणी देगा कि आपका लेसन प्लान कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, आपका चार्ट कैसा था, बच्चों पर नियंत्रण कैसा था, आपने मूल्यांकन प्रश्न अच्छे से किए या नहीं, बीच में आप उनको पुनर्वलन दे रहे थे कि नहीं, व्याख्या कौशल का किस तरीके से इस्तेमाल किया, ब्लैकबोर्ड कौशल का किस तरीके से इस्तेमाल किया, इस तरीके से विभिन्न चीज़ों पर वो ध्यान देंगे और आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएंगे कि कैसा आपका प्रस्तुतिकरण था, यानी कि लेसन पॉइंट से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट्स और उनके सजेशन। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर के कॉलम, आपके हस्ताक्षर, विशेष शिक्षक के और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, जय हिंद।